नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर करें शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। अलनीनो की वजह से मलेशिया और इंडोनेशिया में पाम ऑयल के उत्पादन पर असर पड़ सकता है। बीएमआई इंडस्ट्री रिसर्च की रिपोर्ट में कम उत्पादन की आशंका को देखते हुए 2024 में पाम ऑयल के औसत भाव में बढ़ोतरी की गई है। उत्पादन में कमी की वजह से पाम ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और 2024 में औसत भाव 3,515 रिंगिट तक पहुंच सकता है। पाम ऑयल की कीमतें बढ़ने से भारत में पाम ऑयल इम्पोर्ट महंगा होगा, जिसकी वजह से खाद्य तेलों में महंगाई भड़क सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पर भारी जुर्माना लगाया है। इन तीनों बैंकों पर कुल 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई ने नियमों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया है। सिटी बैंक पर सबसे ज्यादा 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। सिटी बैंक ने डिपॉजिटर एजुकेशन और अवेयरनेस फंड स्कीम से जुड़े नियमों का सही ढंग से पालन नहीं किया। बैंक ऑफ बड़ौदा पर 4.34 करोड़ रुपए और इंडियन ओवरसीज बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है। किराए पर घर लेना लगातार महंगा होता जा रहा है। मैजिक ब्रिक्स की रेंटल इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर देश के बड़े शहरों में सितंबर तिमाही के दौरान औसत किराया 22% से ज्यादा बढ़ा है। तिमाही आधार पर किराया 4.6% बढ़ा है। रेंट में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ठाणे, गुरुग्राम और ग्रेटर नोएडा जैसे शहरों में हुई है। इन शहरों में करीब 67% किराएदार युवा हैं, जिनकी उम्र 18 से 34 साल के बीच है। किराए में दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में किराए में सालाना आधार पर 7.3% बढ़ोतरी हुई है। घरों की सीमित सप्लाई और अधिक मांग के चलते किराए में उछाल आया है। चीन के बाजार में सुस्ती का सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिल रहा है। दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस का कहना है कि जो पैसा पहले चीन जाता था वह अब भारत को मिलने वाला है। मार्क मोबियस के मुताबिक भारत में ये पैसा आने लगा है। भारत में तेजी से पैसा आ रहा है और इसकी आवक लगातार बढ़ रही है। इसमें पोर्टफोलियो निवेशक के साथ साथ निजी निवेश भी शामिल है। 1988 के बाद पहली बार सितंबर तिमाही में चीन में FDI नेगेटिव जोन में आया है। इसका मतलब यह है कि यहां से निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। मार्क मोबियस ने यह भी कहा कि भारत में 15 से 25 साल के युवाओं की बड़ी संख्या के चलते कंपनियां यहां निवेश को लेकर काफी उत्साहित हैं। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17 नवंबर को समाप्त सप्ताह में 5 अरब डॉलर बढ़कर 595 अरब डॉलर से ज्यादा हो गया। पिछले सप्ताह देश का कुल मुद्रा भंडार 46 करोड़ डॉलर घटकर 590 अरब डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2021 में 645 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर था, लेकिन पिछले साल RBI ने रुपए में गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग किया, जिसकी वजह से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई। इस दौरान गोल्ड रिजर्व भी 52 करोड़ डॉलर बढ़कर 46 अरब डॉलर हो गया। डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार को 3 पैसे की गिरावट के साथ 83.37 पर बंद हुआ। आयातकों की ओर से डॉलर की मांग बढ़ने और एशियाई मुद्राओं के कमजोर रुख से रुपए की विनिमय दर में गिरावट आई है। घरेलू शेयर बाजार में नरमी का असर भी रुपए पर पड़ा। रुपए के कमजोर होने से RBI और सरकार दोनों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि लंबे वक्त बाद नियंत्रण में आई महंगाई के दोबारा बढ़ने का खतरा है। दिवाला कानून से कर्ज संस्कृति को बेहतर बनाने में भले ही मदद मिली है, लेकिन पिछले कुछ सालों में कर्ज वसूली घटी है और कर्ज समाधान का समय भी बढ़ता जा रहा है। रेटिंग एजेंसी क्रिसील ने कहा है कि IBC से बकाया कर्ज की वसूली दर सितंबर 2023 में गिरकर 32% रह गई, जो मार्च 2019 में 43% थी। इसके साथ ही कर्ज समाधान प्रक्रिया के पूरा होने में लगने वाले औसत समय भी 324 दिन से बढ़कर 653 दिन हो गए। IBC लागू होने के बाद पिछले 7 सालों में 808 मामलों में फंसे 3.16 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के निपटान में मदद मिली है। ताज होटल का परिचालन करने वाली टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने बताया कि 15 लाख ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई है। यह जानकारी डार्क वेब पर $5,000 में बेची जा रही है। इसमें मेंबरशिप पहचान पत्र, पता, फोन नंबर और अन्य व्यक्तिगत जानकारी वाले आंकड़े शामिल है। ग्राहकों का आंकड़ा 2014 से 2020 के बीच का है। इससे अब लाखों लोगों के साथ साइबर धोखाधड़ी का खतरा बढ़ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकों और NBFC के लिए असुरक्षित कर्ज से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिए जाने के बाद ऋण मांग पर असर पड़ेगा। बैंकों और NBFC को अब ऐसे कर्ज के बदले अधिक पूंजी का प्रावधान करना होगा। फिच रेटिंग्स का कहना है कि इससे असुरक्षित कर्ज की बढ़ती मांग भी कम होने की संभावना है। इससे बैंक सिस्टम पर उपभोक्ता कर्ज की वजह से उत्पन्न जोखिम को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
आईटी नियमों का उल्लंघन करना अब सोशल मीडिया कंपनियों को भारी पड़ेगा। डीप फेक जैसे आपत्तिजनक कंटेंट के मामले में सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में सरकार लोगों की मदद करेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि इसके लिए एक मंच तैयार किया जाएगा। इस पर यूजर्स सोशल मीडिया कंपनियों के उल्लंघन की जानकारी शेयर कर पाएंगे। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी नियमों के मुताबिक बदलाव करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी नाइन के सुपर आपको जरूर डाउनलोड कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम का एपिसोड आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।